डेटा ये लोग खुद ही अपने आप कर रहे हैं। VPS की इसमें जरूरत ही नहीं है बिकॉज ये लोग उनके सर्वर पे चला रहे हैं, ठीक है। एनालिसिस कर रहा है, एनालिसिस भी इनके उसमें ही हो रहा है। अगर आप अभी ब्रोकर यूज करते हैं तो उसमें आपको AFL या कोडिंग और वो सब कुछ या तो आपको जानना चाहिए, हाँ, या आपको कोई एक बंदा ऐसा रखना पड़ेगा जो सब कुछ ये सब आपको करके देगा। तो उसमें दैट इज चार्जेबल 15,000-25,000 में हो जाता है, बट अगेन उसमें आपको कुछ चेंज करना है, आपको अगेन यू दे चार्ज यू 5,000 पर चेंज एवरी टाइम दे चार्ज 5,000। ये इसमें नहीं है। प्लस ये सब तो ये इनके सर्वर पे सब कुछ हो गया, API भी नहीं है, API में भी अलग से सॉफ्टवेयर है, वो जब सॉफ्टवेयर ही नहीं है तो उसमें बग कैसे आएगा, एरर कैसे आएगी, आपके एल्गोरिथम में इश्यू कहां से आएगा। एवरीथिंग इज ऑन देयर सर्वर एंड देयर इज जस्ट वन सॉफ्टवेयर दैट दे रन, ठीक है। तो एनालिसिस भी इसमें ही हो गया, एग्जीक्यूशन भी उसमें हो गया, सब कुछ इसी के अंदर आ गया। अभी मैं जो मेरे प्रीवियस क्लाइंट्स थे उसके अंदर आपको खुद का लैपटॉप चाहिए, VPS का लैपटॉप से आपको डेमो डेस्कटॉप लेके फिर उसका सब कुछ सेटिंग करना है, सब कुछ करना है। एवरी मॉर्निंग जो सबसे बहुत ये सब छोटी चीजें लगती है बट रोज जब करने जाओ तो बिकम्स अ हेडेक आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। इसमें लॉगिन भी ऑटोमेटेड है, लॉगिन भी हो गया, ट्रेड एग्जीक्यूशन भी हो गया। फर्स्ट ट्रेड जो अभी तक की जितनी भी मैंने जितनी भी सिस्टम यूज की है उसमें आपको पहला ट्रेड मैन्युअली डालना होता है, फिर उसके बाद फिर वो अलगो शुरू होता है जो भी इसमें ऑटोमेटेड है, तो इट इज लाइक ईजी हो गया। और ऐसा और कोई है भी नहीं, तो इनमें कंपटीशन जैसा तो कुछ है ही नहीं। और ये दूसरे लोग कर भी सकते हैं सर, एक्चुअली मुझे आइडिया भी नहीं आया था कि ऐसा हो भी सकता है। अच्छा, बिकॉज अभी तो 4-5 सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो, उसमें से ये कैसे सोचोगे कि एक के अंदर सब कुछ ही होना चाहिए। राइट, सो इट इज ऑल टुगेदर अ न्यू कॉन्सेप्ट। और US में भी नहीं है, कहीं में भी नहीं है। US में भी अभी जो चल रहा है ना, दैट इज दे हैव 2 सॉफ्टवेयर, 1 फॉर एनालिसिस 1 फॉर एग्जीक्यूशन। अच्छा, एक इंटीग्रेटर कोई है ही नहीं। स्पाइडर करके है जो इंडिया में, जो यहाँ का इंडिया का नंबर 1 है, तो उसमें भी 2 सॉफ्टवेयर है एंड देयर आर 1,75,000 पर यूजर। तो दे आल्सो हैव फ्यू क्लाइंट्स ओनली, एवरीबॉडी कैन नॉट अफोर्ड स्पेंडिंग 2 लाख एंड दैट टू दे हैव 2 डिफरेंट सॉफ्टवेयर व्हिच वर्क टुगेदर। एंड हाउ डिड यू फाइंड आउट अबाउट दिस? सो आई वॉज मीटिंग अ गाय फॉर अल्गो ट्रेडिंग, तो वो मुझे सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर पा रहा था। तो मैं उनको बोला कि मेरे को ये चाहिए होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। तो उसने बोला कि हमसे नहीं हो पाएगा, मेरे पास एक रेफरेंस है जो मैं आपको पास ऑन करता हूँ, देन आई नो व्हाट टू नो अबाउट इट। ओके, हाँ, ये कर लेंगे। और अभी आपने 2-3 महीना अभी ट्राई कर लिया? हाँ, और कैसे चल रहा है? बसम, नो इश्यूज एट ऑल, नो ग्लिचेस, कुछ भी नहीं। हम लोग 3 महीने से काम कर रहे हैं, ऑलरेडी वी हैव 50+ क्लाइंट्स। सो ऐसा, और वी स्टार्टेड विद माय ओन अकाउंट, पहले मेरे खुद के अकाउंट में देखा, फिर ये मेरे पार्टनर है, फिर इनके अकाउंट में देखा, फिर जो हमारे ऐसे क्लोज क्लाइंट्स थे जो सालों से गए उनके 5 अकाउंट में देखा, फिर 10 पे गए, फिर 15 पे गए, 20 पे गए, तो ये स्लोली इंक्रीजिंग, बट कुछ भी ऊपर से फास्ट हो गया है। पहले जैसे चलता था ना, उससे अभी जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो कम हो गया है, तो विच इज वेरी गुड। And how can this be improved, do you think? इसमें और क्या फीचर होने चाहिए जो आप नहीं देख रहे हो? नहीं, एक्चुअली है ना, मैंने सोचा था और मैंने इनको बताया था, बट इन्होंने बोला ऑलरेडी है और अभी तो वो लाइव भी हो गया। मैंने जैसे बोला ना, ये जो पहले 5 वाला या 4 वाला जो है, उसमें 4 में से किसी एक में एरर आया तो आपको खुद ही मैन्युअली मॉनिटर करना है। इसमें अगर एरर आती है, देन ऑल्सो यू गेट टेक्स्ट मैसेज, यू गेट अ वॉइस कॉल, यू गेट द नोटिफाइड ऑन व्हाट्सएप एंड ईमेल। तो कोई ऐसा है, जैसे मेरे एक IBM के डायरेक्टर है, तो वो ईमेल में हमेशा ऑफिस में रहते हैं, तो ईमेल में चेक कर सकते हैं, तो ही चेक कीप्स चेकिंग हिज ईमेल, अगर कुछ आया तो तुरंत ही सॉल्व कर देते हैं कि हाँ ये हो गया। बट वो आता है तो भी वो मार्जिन इश्यू की वजह से आता है, मार्जिन मतलब उतना फंड अगर कभी अकाउंट कर गया, दैट एरर वी कैन नॉट हेल्प इट, राइट, क्लाइंट के अकाउंट में ही हैज टू टेक केयर ऑफ इट। वो एक ही एरर है जो अभी कभी कभी आ जाती है क्लाइंट में, ट्रांसफर कर देगा तो वो सॉल्व, एंड ही डजंट नीड टू कॉन्टेक्ट अस टू सॉल्व दैट। वंस ही हैज ट्रांसफर्ड डायरेक्टली, ओके, जस्ट लॉग इन देयर एंड सबमिट, यहां अभी रिस्टार्ट कर दो, तो एक ही बटन ही है, वन क्लिक है, तो वन क्लिक कर दिया था, रिस्टार्ट।